नमस्कार दर्शकों आपका एस में स्वागत है मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा जैसा कि कल मैंने सक्षम न्यूज इंडिया के माध्यम से आपको एक खबर दिखाई थी कि कुछ महिलाओं के द्वारा खाद्य विभाग आपूर्ति विभाग अधिकारी राजेश जाटव जी का अनियमितताओं के चलते पुतला दहन किया गया था जिसकी पड़ताल के संबंध में हम आज दतिया कलेक्ट्रेट में बने हुए खाद आपूर्ति विभाग में आए हुए हैं जहां उपस्थित हैं राजेश जाटव जी चलिए उनसे बात करते हैं कि कल जो घटना हुई उनके नाम का जो पुतला दहन हुआ अनियमितताओं के चलते आखिर वो इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर खाद अधिकारी राजेश जाटव जी का क्या कुछ कहना है आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं आपको बताते हैं खाद आपूर्ति विभाग से अधिकारी राजेश जाटव जी जुड़ चुके हैं आइए चलते उनसे बात करते हैं कि कल जो घटना हुई जो उनके नाम का पुतला दहन किया गया जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर उनका क्या कहना है सर एसएनआई में आपका स्वागत है थैंक यू सर जिस प्रकार कल कुछ महिलाओं के द्वारा आप पर आरोप लगाए गए हैं खाद सामग्री को लेकर इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है उन आरोपों के बारे में मेरा बस इतना कहना है कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मुझे शिकायत दी गई थी तैंतीस चौंतीस बाढ़ की मैं उन उपख्ताओं से मिला था जिसमें उनके कार्ड लगे थे उनसे मिला था मैं शाम के टाइम में तो मैं वहाँ गया जांच में तो मुझे ऐसे कोई प्रमाण नहीं पाए गए जिससे उनको राशन नहीं मिला है उन्होंने स्वयं भी ये बताया गया कि मुझे तो हमें तो राशन मिल रहा है नियमित बस हमारी यही शिकायत थी कि हमारी दुकान थोड़ा नज़दीक हो जाए बाद बाकी मैं और जो कोई अनियमितता हुई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा जो भी शिकायत विक्रेता अनियमितता करेगा राशन नहीं बांटेगा तो उसके विरुद्ध बराबर कार्रवाई कठोर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करूंगा और और भी मतलब आज दुकानों के सतत निरीक्षण करूँगा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कार्ड वगैरह बंद हो गए हैं तो मेरा बस ये कहना है कि वो हमें परिवार आई और अपनी पात्रता के प्रमाण पत्र का कुछ हमें डॉक्यूमेंट दें जिससे हम नवीन पात्रता धारियों में उसको जोड़ सकें जिससे उनकी पात्रता पर्ची जारी हो जाए और उनको भी राशन मिलना चालू हो जाए सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका विभागीय जो कार्य है वो सोसाइटी को चेक करना है किस प्रकार सामग्री वितरण हो रही है उसको लेकर आपकी कार्यशैली का कार्य करना है लेकिन उन महिलाओं ने जो आरोप लगाया है कि आप जो राशन सामग्री आती है वो लोगों तक नहीं भेज रहे हैं सर इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है नहीं देखो ऐसा नहीं है अब राशन सामग्री जो का पीओएस मशीन से वितरण हो रही है और संभवतः शहर में ग्रामीण में अब तो राशन व्यवता पहले से बहुत अच्छी हो गई है तो अब मॉनिटरिंग करने की भी सुविधा अच्छी है कि वो दिख जाता है कौन व्यक्ति राशन ले गया कौन नहीं गया कितने कस्टमर किस दुकान से राशन ले जा चुके हैं तो अब ऐसा नहीं है राशन तो हर व्यक्ति को मिल रहा है ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है कि राशन नहीं मिला अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे राशन नहीं मिला है तो वो या तो उसकी पाता पर्ची बंद हो सकती है कई कारणों से या फिर नहीं मिला तो वो हमें बताएं तो हम उसके प्रति कार्रवाई करेंगे विक्रेता के क्यों नहीं मिलती है उसको राशन क्या समस्या है उसकी सॉल्व करने के की की जाएगी इस प्रकार आप देख सकते हैं कि खाद्य विभाग अधिकारी राजेश जाटव जी का कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप एक तरीके से मिथ्या हैं गलत हैं और वो सतत जनता की सेवा में कार्यरत हैं यदि किसी भी प्रकार की सोसाइटियों पर अनियमितताएँ पाई जाती हैं तो उनके प्रति वो कार्रवाई करेंगे अतः सक्षम न्यूज इंडिया के लिए लोकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट इस प्रकार आप देखते हैं कि हमने खाद्य विभाग के अधिकारी राजेश जाटव जी से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या हैं उनका कोई मतलब नहीं है कल जो पुतला दहन उनका किया गया है तो मैं समाज के ऐसे लोगों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध में जब भी कोई कार्रवाई करें तो तथ्यों को एकत्रित कर लें, सबूतों को एकत्रित कर लें, तब इस प्रकार की कार्रवाई की जाए क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एक समाज के हित के लिए कार्य करता है उसका अपना एक दायित्व होता है आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज